हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू प्रयोगा एजुकेशन। सो लास्ट एक वीक से मेरे पास कई फोन कॉल्स आ रहे हैं, सम टाइम पेरेंट्स से भी बात हो रही है, सम टाइम स्टूडेंट्स से भी बात हो रही है, एंड एवरीबॉडी इज फीलिंग लिटिल बिट नर्वस बिकॉज जस्ट एग्जाम आपका आने वाला है। सो एवरीबॉडी इज आस्किंग सर व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट वीक, दो तीन दिन बाकी है, हमें क्या करना चाहिए इस समय। सो स्टूडेंट्स, I cannot meet each and every one personally. So why? From the Pravega Education, I am just sharing this video to you that what we have to do in the last 2 and 3 days and how we can motivate ourselves such that we can give the best result. Students, मेरा ये हमेशा मानना है कि if you will not enjoy process, you will not succeed. So जरा हम देखें कि हम लोगों ने अपने process को enjoy किया या नहीं। So let's try to go for the first slide. What we have done into last 6 months? In last 6 months, we have done rigorous classroom program, online, offline, recorded in each and every way. We have solved lot of questions. We have to understand lot of concept. We learned lot of thing in last 6 months. आप अपनी कॉपी को उठाकर देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने सारे फैकल्टीज से बात की और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने क्लास में किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इनटू द क्लासरूम इन द डिफरेंट टॉपिक्स। एंड लास्ट 1 month जो हमने चैलेंज लिया था दैट वी हैव टू रिवाइज द थिंग, हमने कोर्स को पहले खत्म किया और फिर चीजों को रिवाइज किया इन आउटस्टैंडिंग वे। And I have just calculated almost 2000 questions from the PYQ we have solved into the last class. This is process. We enjoy this process. We have just conducted 30 tests and the students appeared in all these tests. Look at this number. If you will see this number, almost 2000 questions in one month. And look at this number, 558 question from the electromagnetic theory. Hats off Alok sir, you have done outstanding. Aur students, aapne ye kaam kiya hai, aapne ise khud kiya hai. Obviously, teacher was always there, management was always there, but student, you have really enjoy your process. So, agar aapne enjoy kiya hai process, to success aapse koi bhi nahi khech sakta. Success aapka hoga. But एट लास्ट मोमेंट हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू बी जस्ट फोकस ऑन आवर सेल्फ और हमें थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो व्हाट नेक्स्ट? सो यस, लास्ट टाइम रिवाइज, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट यू शुड रिकॉल, अपने चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। हम लोगों ने बार बार क्लास में कहा है वी शुड रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, जो हमने लास्ट मंथ में किया था उसी को आपको फिर से रिपीट करना है। जहां तक हो सके रिकॉल करने की कोशिश करो, टेक अ मग ऑफ कॉफी, रिकॉल द प्रॉब्लम, रिकॉल द कॉन्सेप्ट, रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। एंड यस, डोंट फॉरगेट, अभी भी समय है, एटलीस्ट 1 or 2 कंप्लीट पेपर को आप सॉल्व कीजिए जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हो। एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप डे में जा रहे हो, डे ऑफ डेस्टिनी में जा रहे हो, एग्जाम के समय जा रहे हो, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, रिलाय ऑन योर स्ट्रेंथ। आपका क्या स्ट्रेंथ है आपको पता है, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट और हर एक स्टूडेंट को पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपकी कुछ वीकनेस भी होगी, सो उस वीकनेस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट पर्टिकुलर weakness, but yes, you have to play on your strength. So this is very important, how you will revise and recall, and be calm, cool, and next. And ये सब के पीछे आपको अपनी energy जरूर save करनी है, क्योंकि आपको वो जो 3 hour होगा exam का, उस 3 घंटे में बहुत ही out of way perform करना है। आपको अपना 100% उस 3 घंटे में देना है। उससे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, वो किसी को नहीं पता है, बट दैट 3 hour यू हैव टू गिव योर बेस्ट। उसके लिए आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए,
आपके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। सो उसके लिए स्टूडेंट प्लीज स्टे काम, थोड़ी सी मेडिटेशन करने की कोशिश करो, लिसन सम गुड सॉन्ग, कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश करो, एंड कुछ एक्सरसाइज, एंड प्लीज ईट सम हेल्दी फूड्स। और अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइड्रेटेड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जब आप हाइड्रेशन में रहोगे तो आपका ब्रेन मच बेटर वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, लाइट वॉक कर लिया, ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज फॉर द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो तो उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज ट्राई टू बी रिस्पॉन्डिंग, डोंट रिएक्ट। रिस्पॉन्डिंग और रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा अंतर है। रिएक्टिंग इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस, रिस्पॉन्डिंग इज ऑल अबाउट द लॉजिकल, रिस्पॉन्डिंग इज ऑल अबाउट द अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। सो जब आपके पास पेपर आ रहा है तो उस पेपर की मेरिट के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना है, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना है, अपनी वीकनेस के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना है। डोंट बी हेजिटेट, वहां पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो परेशान हो गए, दूसरा भी नहीं बन रहा है तो परेशान हो गए, या फिर एक दो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दिस शुड बी अवॉइडेड। यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्डिंग, कूल, काम, और अपने पेस पे आपको काम करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवे अगेन आई एम सेइंग, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड, ओके। एंड नेक्स्ट इज, नेगेटिव पीपल से कुछ नहीं हो सकता। जिसकी दिमाग में नेगेटिविटी है वो सक्सेस पा के भी अनसक्सेसफुल है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन बनने की कोशिश करो, और अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो, एंड स्टे अवे टू द नेगेटिव पीपल, जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको फ्यूचर को लेकर के परेशान कर रहे हैं, उनसे आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज बी अ ब्यूटिफुली इनलाइटेड पर्सन, है ना। सो ऑलवेज आप पॉजिटिव सोचो और आगे के बारे में सोचने की कोशिश करो कि आप बेटर करोगे, एंड यू हैव टू जस्ट ट्राई टू ग्रेटिट्यूड योर सेल्फ, गिव द ग्रेटिट्यूड टू योर सेल्फ, योर सराउंडिंग, योर टीचर, इन सबको आप थैंक्स कहो, अपने पेरेंट्स को थैंक्स करो, अपने आप को थैंक्स करो, और रेडी हो कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो और उसमें आप जरूर सक्सेसफुल हो गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। And yes, last but not the least, always believe on your God, always believe on your karma. Pravega Education ki basic jo hamari punchline bhi hai, this is all about Siddhir Bhavati Karmaja. Success is born out of action. This is very important. Aap jaisa kaam karoge waisa hi success hoga. Aur please never be bother about the result. Never be bother about the result. एक रिजल्ट से आपकी पर्सनैलिटी के को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो और आगे का काम करते रहो विदाउट थिंकिंग कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आई एम 100% श्योर, आप अगर अपना 100% देते हो तो डिजायर रिजल्ट मिलेगा, और नहीं भी मिलता है देन डोंट वरी, डोंट गेट डिसहार्टेड, We will do it again. ये हमारे पास है, बहुत सारे options हैं, बहुत सारी आपके पास opportunities मिलेंगी, but at this particular time we have to be give ourselves 100% and we have to be just be a positive, और हम 100% अपने exam को दें। Thank you student, and all the best from all the team of the Pravega Education, all the best.